तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि क्या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं। तो पहली जो चीज़ है, हम इसको नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होता है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जाहिर है, और अगर आपके अंदर ऐसे कोई भी सवाल है या आप सोच रहे हैं इस वीडियो के थ्रू मुझे कुछ आंसर्स मिलेंगे, तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। दूसरी चीज़ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है वो एक टाइम लाइन पे होती है, जिसमें एक स्टार्ट होता है, एक कंटिन्यूएशन होता है और एक एंड होता है, और कई बार शायद वो एंड होता भी नहीं है। तो इस चीज़ में, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक चलता है, हम इसमें कैसे देख पाते हैं कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नहीं, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है पैटर्न्स। जी, पैटर्न्स का मतलब है कोई भी एक रेपिटेटिव बिहेवियर जो कि एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में पैटर्न हो सकता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एंटाइटलमेंट हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है। जो नार्सिस्ट होते हैं वो बहुत ही एंटाइटल्ड लोग होते हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक लोग होते हैं, बहुत रिजिड लोग होते हैं, और एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब कि उनके उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक तरह की मतलब मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा वो रूखे होते हैं, जैसे कि उनको किसी भी चीज़ से स्वाभाविक खुशी नहीं मिलती। वो खुशी होती है पर वो छूमंतर हो जाती है, क्योंकि नासिस जो लोग होते हैं वो बहुत ही डिसकंटेंटेड पीपल होते हैं। उनको लाइफ में किसी भी चीज़ से कभी भी सेटिस्फैक्शन पूरी तरह नहीं मिलता, तो हमेशा उनके अंदर कोई ना कोई शिकायत रहती है। वो दुनिया से शिकायत करेंगे, वो गवर्नमेंट से शिकायत करेंगे, वो अपने फैमिली वालों से उनकी शिकायत रहती है, उनके कलीग से शिकायत होती है, इंडस्ट्री से शिकायत होती है, हर किसी से शिकायत होती है उनकी। तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो बहुत ही एंटागोनिस्टिक होते हैं। लैक ऑफ एम्पथी भी होती है उनके अंदर। शुरुआत के समय रिलेशनशिप में वो प्रिटेंड कर सकते हैं, एम्पथाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपको जीतना है या उनको अपना टारगेट जीतना है, तो वो प्रिटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको पैटर्न नोटिस करना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो उनका जो कहीं ना कहीं एक उन्होंने जो पहना हुआ है, जो नकाब पहना है, वो धीरे धीरे उतरता है, और फिर आपको दिखता है कि ये बहुत ही कोल्ड है, इनके अंदर लैक ऑफ एम्पथी है, एम्पथाइज नहीं कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको कहा नोटिस करने के लिए, नोटिस पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब रेपिटेशन, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम कहते हैं पैटर्न्स। दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप में कैसे कैसा रिलेशनशिप होता है। एक नार्सिस के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही डिसमिसिव रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपकी नीड्स और आपकी जो इच्छाएं हैं उनको डिसमिस किया जाता है एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि मैं एक सेकंड फिडल हूँ, मैं एक सेकंड कैरेक्टर हूँ इस रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप दो लोगों का होता है, पर अगर आपको हमेशा लगता है कि रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसकी है, किसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, किसकी ज़्यादा सुनी जाती है, अगर आपको एक गैप दिख रहा है तो ये एक अनहेल्दी गैप है, क्योंकि रिलेशनशिप में गैप होता है पर वो ऐसा मूव होता रहता है कि कभी आप कभी वो, तो वो दोनों के बीच एक डायनेमिक क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या मुझे ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नार्सिस लोग जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर एडजस्टमेंट की भावना नहीं होती, वो थोड़ा प्रेशराइज होकर करेंगे पर वो वापस अपने जोन में आ जाएंगे, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़ है कि मिनिमाइजेशन, आपकी नीड्स की अवहेलना की जाएगी, या आपको कहा जाएगा ये तो ऐसा कोई बात नहीं है जिसके लिए आपको सोचना है, उस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ कि मैं, मेरी भी नीड्स इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट, जैसा मैंने कहा रूल्स डोंट अप्लाई टू देम, कोई भी नेगोसिएशन, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी आप उम्मीद नहीं कर सकती उनसे, वो तभी करेंगे जब उनको सही लगेगा, आपके लिए वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो एक मैं और चीज़ आपको कहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि कितनी भी चीज़ें हम बातें कर लें, जब भी हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं हम ये नहीं समझ पाते, ज़्यादातर विक्टिम्स ये नहीं समझ पाते कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों साल रह जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस।
कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो अलग अलग तरह की ऑपोजिंग थॉट्स को एक साथ एकोमोडेट नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक आपने कहानी सुनी होगी कि वो एक फॉक्स था जो बेसिकली जिसको अंगूर खाने थे, तो वो लोमड़ी थी उसको अंगूर खाने थे और वो अंगूर के पेड़ के पास गई और वो अंगूर बहुत ऊँचे थे तो वो बार बार लपक रही थी पर वो अंगूर नहीं खा पा रही थी। अंत में क्या हो गया, खिन आकर उस लोमड़ी ने उस चीज़ को छोड़ दिया, वो आगे निकल गई और उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको जस्टिफाई किया क्योंकि भाई अंगूर खट्टे हैं तो मैं नहीं खा पाई तो क्या बात है। इसी तरह से हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जस्टिफाई करते रहते हैं, हम बार बार जस्टिफाई करते हैं कि वो मेरा पार्टनर है, इसके साथ मेरी फैमिली है, मैंने इतना समय बिताया है, वो इतना तो करता है मेरे लिए, कुछ तो करता है, मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। तो हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार जस्टिफाई करते हैं और उस जस्टिफिकेशन में हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक जस्टिफिकेशन ये भी होता है कि ये जो इंसान है ये चेंज हो सकता है, ये मैं अपने प्रेम से, मैं अपने आप को बदल कर, मैं और प्यार देकर इस इंसान को बदल सकती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नार्सिसिस्ट जो लोग हैं वो बदल नहीं सकते, दे कैन नॉट चेंज, दे विल नेवर चेंज। कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, उनको प्रमोशन मिल जाए, उनको शादी हो जाए, ना शादी हो, कुछ भी हो, कहीं आप कुछ भी कर लें, ये नार्सिसिस्ट जो है वो बदलने वाले नहीं हैं। तो आप जो होप पर, जो जिस होप को आपने जस्टिफिकेशन दिया हुआ है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, उस होप जो है वो कभी पूरी नहीं होगी कि वो इंसान बदल सकता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रेडिकल ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेडिकल ट्रुथ है कि ये इंसान बदल नहीं सकता जो नार्सिसिस्ट है, ये आपको आगे बढ़ने में और उससे हील होने में आपको हेल्प करेगा। तो कुछ और साइंस होते हैं, जैसा मैंने ये बताया कि ये जो चीज़ है ये हमको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखती है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कुछ और चीज़ें जो होती हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस होते हैं, जैसे कि ओवरथिंकिंग। अगर आपको लग रहा है बार बार सोच रही हैं, आप सोच रही हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ, मैं कैसे ये कर सकती हूँ। जनरली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो अपने विक्टिम के ऊपर ही रिवर्स ब्लेम करते हैं, जैसे कि उनके विक्टिम को लगता है कि मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट, मेरे अंदर कमी है, मैं अपने आप को ठीक कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, मैं रिश्ता ठीक कर सकती हूँ। अगर आप सोलो ब्लेम ले रही हैं तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हमेशा एक रिलेशनशिप में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से जिम्मेदार मान रही हैं कि ये रिलेशनशिप मैंने ख़राब किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। दो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर, कि हम दोनों की साझेदारी है, हम दोनों की भागीदारी है, किसी एक इंसान की गलती नहीं है। जब हम पिन पॉइंट करना शुरू करते हैं ये तो सिर्फ तुम्हारी गलती है या ये तो सिर्फ मेरी गलती है, देन वो रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने लगता है। तो अपने कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें, इस कम्युनिटी से इंगेज करें कि क्या आपके एक्सपीरियंस रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और भागीदारी करें। डिस्कशन करने से हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि जो नंबर वन थिंग है जो लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखती है वो है लैक ऑफ नॉलेज। उनको नहीं पता होता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस।